हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ्स टीचर। और आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात की थी इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हमारा आज का टॉपिक है कि हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले तो नंबर लाइन क्या होती है, आपके पास एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपके पास नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप क्या करते हो, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज जीरो एंड दिस इज वन, दिस इज टू। आपके पास जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स हमेशा क्या होगा, सेम। और आप इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वन यूनिट लेंथ। मींस जो डिस्टेंस है इसका क्या नाम है, यूनिट लेंथ। जीरो से वन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा सेम आपके पास वन से टू के बीच में होगा। नंबर लाइन पे आपके पास आगे जाके क्या होती है, डॉट्स प्ले, थ्री डॉट्स प्लेस होती है इस साइड भी और इस साइड भी। ये डॉट्स किस लिए होती है कि आपके पास फोर के बाद भी नंबर लाइन पे इंटीजर्स प्लेस किए जाएंगे, वो कंटिन्यूसली मूव ऑन कर रहे हैं। नाउ सम इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन गिवन असाइड। मींस आपको दिखा रखा है कि आपके पास किसी भी नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे, हमने नंबर लाइन को देख लिया, अब हमने कुछ बातें ऑब्जर्व की, कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए। द फर्स्ट पॉइंट इज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इंटीजर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स जैसे ही आप नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, कैसे, अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा हमारे पास ये नंबर लाइन है जीरो वन टू, और ये आपके पास अप टू सोन माइनस वन एंड दिस इज ऑल्सो अप टू सोन। हमने क्या देखा कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, मीन्स अगर आप इस साइड से इस तरफ जाएंगे तो आपके पास जो इंटीजर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मीन्स आपको यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि आपके पास, अगर मैं बात करूँ माइनस वन की और जीरो की, तो जो नंबर आपके पास गिवन नंबर के राइट साइड में होगा वो नंबर आपके पास हमेशा क्या होगा, लार्ज। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास जीरो इज ग्रेटर देन माइनस वन। आपको यही बताया हुआ है माइनस फोर इज लेस देन माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू। मीन्स आपके पास जो आपके पास नंबर लेफ्ट साइड पे होंगे वो आपके पास स्मॉल होंगे एज कंपेयर टू राइट साइड। नाउ एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो कौन से ऑर्डर में होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग है आपके पास, कि जो आपके पास इंटीजर्स होंगे वो आपके पास डिक्रीज करेंगे जैसे ही आप राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज टू द राइट ऑफ द गिवन इंटीजर। मींस अगर आप कभी भी ऐड करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर किसी भी इंटीजर में, मान लीजिए आपने इंटीजर ले लिया जीरो, अगर आप इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास किस तरफ आएगा, राइट साइड। किस नंबर के राइट साइड, गिवन नंबर के। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी नंबर की बात करती हूँ लाइक थ्री, तो अगर मैं थ्री में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूँगी तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट गिवन नंबर के राइट साइड पे आएगा। तो हमें पता है, हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो फाइव है वो राइट साइड पे होगा किसके, थ्री के। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर टू ए गिवन इंटीजर द रिजल्ट ऑब्टेंड इज टू द लेफ्ट ऑफ द गिवन इंटीजर। मीन्स अगर आप किसी भी इंटीजर में
कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हो तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास गिवन नंबर के लेफ्ट साइड पे आएगा। कैसे? देखो, 2 + - 3 मीन्स आपने क्या किया, आपने एक गिवन इंटीजर में ऐड किया कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो ये आपके पास कैसे वर्क करेगा, दिस इज 2। एंड आपके पास कभी भी मैथमेटिक्स में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ आते हैं तो आप क्या करते हैं, बीच में क्या प्लेस करते हैं, ब्रैकेट। अब जो ये ब्रैकेट है वो किसकी तरह वर्क करता है, मल्टीप्लीकेशन की तरह। तो जब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या, साइन क्या आएगा, -3। अब आपके पास 2 और -3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1। मीन्स आपके पास जो रिजल्ट आया है वो गिवन नंबर के लेफ्ट साइड पे आया है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो -1 है वो आपके पास, क्या हुआ था इसे, हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके पास -1 है वो आपके पास गिवन नंबर 2 की लेफ्ट साइड पे है। तो आपको यही बताया हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन वी सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम ए गिवन इंटीजर, मीन्स अगर आप क्या करते हैं, आप एक गिवन इंटीजर में से सबट्रैक्ट करते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके पास क्या होगा, जो रिजल्ट है वो आपके पास कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, गिवन इंटीजर की लेफ्ट साइड में। जैसे हमने इंटीजर क्या लिया, सबसे पहले 3, और मैंने उसमें से क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 1, मीन्स गिवन इंटीजर के लेफ्ट साइड पे। हमें पता है कि आपके पास जो 1 है वो लेफ्ट साइड पे है किसके, 3 के। द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन वी सबट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम ए गिवन इंटीजर, मीन्स अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं क्या कोई भी नेगेटिव इंटीजर किसमें से, फ्रॉम अ गिवन इंटीजर। देखिए, अगर आप किसी भी गिवन इंटीजर में से सबट्रैक्ट करेंगे कोई भी नेगेटिव इंटीजर तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो किस साइड आएगा, आपके पास गिवन नंबर के राइट साइड पे। कैसे? देखो, 3 सबट्रैक्ट करना है कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो आपके पास ये 3 एज इट इज। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट है दो मैथमेटिकल साइन के बीच में है, मीन्स ये किसकी तरह वर्क करेगी, मल्टीप्लीकेशन की तरह। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाता है, प्लस। फर्दर आप जो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि माइनस माइनस को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपके पास क्या आ जाता है, प्लस। नाउ दिस इज 4, 3 + 4 आपके पास क्या आ गया, 7। मीन्स जो आपके पास रिजल्ट आया है वो आपके पास गिवन नंबर के राइट साइड पे है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स अगर आप कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लाइक आपने लिया है 3 और दूसरा आपने लिया है 5, आपको इनका क्या करना है, सम, मीन्स एडिशन, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। इसको ऐसे समराइज कर लेते हैं कि अगर आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं और आपको उनका सम करना है तो आपके पास एडिशन ही होगी, और आपके पास जो आंसर आएगा उसका जो साइन है वो आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। मीन्स अगर आप कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -5 प्लस और दूसरा इंटीजर आपने क्या लिया है, -4, तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास -5, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, एंड दिस इज 4। अब आपके पास उसने यही बताया है कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, मीन्स माइनस, और आपके पास होगी क्या, एडिशन, 5 + 4 = 9, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। नाउ हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर हैं और आपको उनका क्या करना है, सम, तो आपके पास साइन आएगा नेगेटिव और आपके पास होगी क्या,
एडिशन, मीन्स दोनों नंबर की एडिशन हो जाएगी और साइन आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मीन्स अगर आप सम करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का और किसी भी नेगेटिव इंटीजर का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी. कैसे, देखो अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हो, 6 + -3, तो आपके पास क्या होगा, दिस इज 6, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपके पास क्या आता है, माइनस. नाउ दिस इज 3. अब आपको इसके बाद क्या करना है, कभी भी आपके पास एक नंबर प्लस का है और दूसरा इंटीजर आपके पास क्या है, माइनस का, आप कैसे करेंगे, हमेशा आपके पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन. मींस अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर क्या है, नेगेटिव, तो हमेशा आपके पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन. और आपके पास जो साइन आएगा नंबर का वो किसका होगा, साइन ऑलवेज बी ऑफ लार्ज नंबर. मीन्स साइन हमेशा किसका आएगा, लार्ज नंबर का. तो अब आपके पास होगी क्या, माइनस, सब्ट्रैक्शन की बात हुई है और आपके पास 6 - 3 करोगे 3, आपके पास जो साइन है वो किसका आएगा, लार्ज नंबर का. अब 6 और 3 में लार्ज नंबर कौन है, 6, तो आपके पास 6 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +3. अब हमारे पास अगर आप +3 मेंशन करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर के सामने कोई साइन मेंशन नहीं करते हैं तो अंडरस्टूड है कि बाय डिफॉल्ट वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव. नाउ अब आप इनको ध्यान में रखेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन पॉजिटिव देता है और होती भी क्या है, एडिशन. नेगेटिव और नेगेटिव आपके पास अगर आपको सम करना है तो आपके पास होगी एडिशन और साइन आपके पास क्या आएगा, माइनस का. और अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है तो आपके पास हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी और साइन हमेशा किसका आएगा, लार्ज नंबर का. द नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या करते हैं, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की इंटीजर्स की, अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं. देखो आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स आपको नंबर्स गिवन है, आपको इनको कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में. अब असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है, कि आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लिखना है, स्मॉल, उसके बाद आपको इससे बड़ा लिखना है, देन आपको उससे बड़ा, देन उससे बड़ा. मीन्स अगर आप बात करें तो जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड, वही आपके पास क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर. नाउ अब आपके पास क्या है, आपको ये नंबर्स गिवन है, आपको इनमें से सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास क्या डिसाइड हुआ था नंबर लाइन के लिए, कि आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, दिस इज -1, -2, -3, -4, और ये भी आपके पास अप टू जोन मूव करेगा, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. अब देखो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, -12. तो जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास, उसमें आपके पास, अब हमें पता है कि जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेंगे नंबर लाइन में, तो जो नंबर्स का ऑर्डर है वो आपके पास क्या होता है, इंक्रीजिंग. मींस नंबर आपके पास जितना ज़्यादा लेफ्ट साइड होगा वो नंबर आपके पास उतना ही ज़्यादा स्मॉल होगा. तो आपके पास सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, -12. तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको क्या चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो आपके पास गिवन नंबर्स में से क्या हो गया, -12. अब इसके बाद अगर बात करें तो गिवन नंबर्स में से -12 के बाद आपके पास इधर नंबर इंक्रीज करेंगे तो -12 से बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है, -8. तो आपके पास जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, -8. अब -8 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, -3. जैसे जैसे आप राइट साइड मूव करते जाएंगे नंबर्स का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होता जाएगा.
नाउ नेक्स्ट वन इज माइनस टू. आफ्टर दैट आपके आपके पास इनमें से कौन सा नंबर है? सिक्स. आप देख सकते हैं माइनस ट्वेल्व, माइनस एट, माइनस थ्री, माइनस टू और सिक्स. उसके बाद आपके पास क्या आएगा? सेवन. एंड आफ्टर दैट जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं क्या आएगा? टेन. बिकॉज एट, नाइन और टेन. तो सेवन के बाद आप कहाँ पे मूव करेंगे? टेन के पास. और उसके बाद लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा बचेगा वो आपके पास क्या होगा? 15. सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ द नेक्स्ट वन इज एड 5 टू माइनस 3 एंड शो द एडिशन ऑन द नंबर लाइन. मीन्स आपको क्या करना है, एक इंटीजर आपको गिवन है माइनस 3 और आपको उसमें ऐड करना है. कितना ऐड करना है आपको? 5. तो आपके पास आपको बताया गया था सेकंड पॉइंट में, आपको क्या बताया था सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके आप ऐड करते हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी गिवन इंटीजर में, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास किस तरफ आएगा? राइट साइड में. तो आप इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. कैसे? कि गिवन नंबर में आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास गिवन नंबर के राइट साइड पे आएगा. पहले ऐड कर लेते हैं, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव. तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास एक नंबर का साइन नेगेटिव है और एक नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो साइन हमेशा किसका आता है? लार्ज नंबर का. अब लार्ज नंबर आपके पास क्या है? 5. और 5 का साइन क्या है? पॉजिटिव. और हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्शन. मीन्स 5 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2. अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको स्टैंड कहाँ पे होना है? गिवन नंबर पे. तो आप स्टैंड कहाँ पे है? माइनस 3 पे. अब माइनस 3 पे आपको कितना ऐड करना है? 5. हम किस तरफ मूव करेंगे? राइट साइड. तो आपके पास देखो कितने स्टेप मूव करना है? 5, 1, 2, 3, 4 और 5. अब 5 स्टेप मूव करने के बाद आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं? 2. तो आपके पास यही क्या होगा? गिवन आंसर. तो यही मैंने आपको बताया था, कभी भी गिवन नंबर में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हमेशा जो आंसर है वो गिवन नंबर के राइट साइड पे आएगा. द नेक्स्ट वन इज, ये भी आपके पास सेम है. मीन्स आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? 4 प्लस माइनस 5. अब मैंने आपको थर्ड पॉइंट में ये बताया था कि अगर आप कभी भी किसी भी गिवन नंबर में ऐड करते हैं कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर के लेफ्ट साइड पे आएगा. मीन्स जो आंसर है वो आपके पास 4 के लेफ्ट साइड पे आएगा. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 प्लस माइनस 5. नाउ दिस इज 4. नाउ अब ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क कर रहा है. और हमेशा याद रखें कि अगर आप कभी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नेगेटिव साइन वाले नंबर के साथ, तो हमेशा जो साइन है वो कौन सा आएगा आपके पास? नेगेटिव. तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, एंड दिस इज 5. अब सेम रूल कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो आपके पास जो साइन है वो हमेशा लार्ज नंबर का आता है. 4 और 5 में लार्ज नंबर कौन है? 5. तो साइन आपके पास किसका आएगा? नेगेटिव. और हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्शन. मीन्स 5 में से 4 माइनस करोगे, माइनस 1. नाउ अब हमें पता है कि हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है. तो पहले से ही पता है थर्ड पॉइंट से कि आपके पास जो आंसर है वो गिवन नंबर के लेफ्ट साइड पे आएगा. तो आपको कहाँ पे स्टैंड होना है? गिवन नंबर पे. दिस इज योर गिवन नंबर. अब आप मूव करना स्टार्ट करेंगे. कितना स्टेप मूव करना है आपको? 5. सो दिस इज 1, 2, 3, 4 और 5. तो आप कहाँ पे आ चुके हैं? माइनस 1. दिस इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इवेल्युएट मीन्स आपको ये सोल्व करना है. 86 माइनस 72 प्लस 33 माइनस 48 प्लस माइनस 14 माइनस माइनस 26. ये अब आपको अंडरस्टूड है कि आपके पास अगर दो मैथमेटिकल साइन एक साथ आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक को किसमें कर देंगे? ब्रैकेट में. मोस्ट प्रोबेबल हम हमेशा नेगेटिव साइन को ही ब्रैकेट में करते हैं. अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. आपने सबसे पहले क्या किया? एज इट इज स्टेटमेंट को नोट किया. अब आप क्या करेंगे देखो इस चीज को. 86
माइनस 72 प्लस 33 माइनस 48 प्लस माइनस 14 माइनस ऑफ माइनस 26। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में ब्रैकेट साइन गिवन है, आप हमेशा किसको सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में? ब्रैकेट को, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, जो हम फर्दर डिस्कशन भी करेंगे इसके बारे में। देखो 86 माइनस 72 प्लस 33 माइनस 48। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि अगर दो मैथमेटिकल साइन एक साथ है तो इसका मतलब ब्रैकेट किसकी तरह वर्क करेगी? मल्टीप्लिकेशन की तरह। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 14। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन हमेशा कैसे आता है? प्लस। इसको भी आप ध्यान रखें कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपके पास कैसा आता है? प्लस। नाउ अब देखिए आपके पास ये बन चुका है 86 माइनस 72 प्लस 33 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 26। अब आप क्या करेंगे, सारे प्लस वाले नंबर्स को एक साथ कर लो और सारे माइनस वालों को एक साथ। तो 86 प्लस 33, नेक्स्ट वन इज प्लस 26, अब नेगेटिव वाले सारे एक साथ, माइनस 72 माइनस 48 और माइनस 14। अब मैंने आपको क्या बताया था सिक्स पॉइंट में, कि आपके पास अगर सारे इंटीजर्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं तो साइन भी पॉजिटिव आएगा और आपके पास होगी भी क्या? प्लस। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, कैरी 1। अब आपके पास 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 145। दिस इज माइनस। अब देखो आपके पास यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस माइनस मीन्स दो इंटीजर नेगेटिव है तो साइन आपके पास नेगेटिव आएगा और आपके पास होगी क्या? प्लस। अब आप इन दोनों की क्या करेंगे? एडिशन। आप करके देख सकते हैं, दिस इज 72, दिस इज 48, तो आपके पास ये कितना आ गया? 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 120 विद नेगेटिव साइन। नाउ आपके पास इन दोनों नंबर्स को सोल्व करके आया है माइनस 120। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, 14 को भी माइनस। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, दो नंबर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है तो आपके पास होगी क्या? एडिशन, और आपके पास साइन क्या आएगा? माइनस। 4 3 1, तो आपके पास ये कितना आ गया? माइनस 134। नाउ अब एक नंबर पॉजिटिव साइन के साथ है और दूसरा नंबर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है तो साइन हमेशा किसका आता है? लार्ज नंबर का। अब 145 और 134 में कौन सा लार्ज नंबर है? 145, तो आपके पास साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर इसके सामने कोई भी मैथमेटिकल साइन मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि आपके पास ये कैसा है? पॉजिटिव। और होनी क्या है आपके पास? नेगेटिव सब्ट्रैक्शन, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, सो 11 इज योर आंसर। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग विद इंटीजर। दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑन इंटीजर। टिल देन keep practice with more and more example. Thank you.